मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्व श्री राजा, अपने सब ऐशो आराम छोड़कर 14 साल का वनवास भोगने वाले भगवान श्री राम की जयंती अर्थात रामनवमी की पूरे देश में धूम रही। इसी तरह कचोरे के श्री राम सेवा मंडल द्वारा रामनवमी का पर्व बजरंग दल के कल्याण जिला सह संयोजक राजन चौधरी और भाजपा नगर सेविका रेखा राजन चौधरी के मार्गदर्शन में मनाया गया। इस अवसर पर कचोरे पत्रीपुल से राम रथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। ढोल ताशे लेजिम पदक की धुनों से पूरा परिसर गूंज उठा था। श्री राम सेवा मंडल की 16 वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए इस बार 11 अलग अलग समाजों की विवाहित जोड़ियों के हाथों महायज्ञ किया गया। राम जन्मभूमि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो, इस उद्देश्य से ये महायज्ञ किया गया, ऐसी जानकारी मंडल के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने हमें दी है। शोभा यात्रा के अलावा महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम कार्यक्रम भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में कल्याणपुर के विधायक गणपत सेठ गायकवाड़, विधायक नरेंद्र पवार, उपमहापौर मोरेश्वर भोईर, परिवहन सभापति सुभाष मस्के, पूर्व मंत्री जगन्नाथ पाटिल, कल्याण आरएसएस संचालक डॉक्टर मोडक जी, संदीप तोंडापुरकर, विद्याधर कुटे आदि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। रामनवमी उत्सव को सफल बनाने में श्री राम सेवा मंडल के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता, राजू वाकुड़े, लालजी दुबे सहित स्थानीय ग्राम भक्त उपस्थित रहे।